हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का जो वीडियो है थोड़ा सा मेरे लिए खुशी की बात है क्योंकि मेरा 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गया है। बहुत टाइम लगा, 1 साल लगा, लेकिन 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गया। मुझे पता है ये बिल्कुल भी एनफ नहीं है, लेकिन मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा ये एक तरीके का अचीवमेंट है क्योंकि मैंने लॉकडाउन में ऐसे ही मैंने कोई सीरियस होके यूट्यूब पे काम करना शुरू नहीं किया था, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि अब से सीरियस होके काम किया जाए। और सीरियस होने के लिए आपके पास प्रॉपर गैजेट्स होने चाहिए। सो आज का जो मेरा वीडियो है वो बिगनर्स के लिए है कि आप जो बिगनर्स हैं, जो नए नए यूट्यूबर्स हैं, उनके पास कौन कौन सी गैजेट्स होनी चाहिए। बेसिकली आपके पास माइक होना चाहिए और एक ट्राइपॉड स्टैंड होना चाहिए। डिपेंड करता है आपका बजट के ऊपर, ठीक है। आप इसके बाद आप फ़ोन कैमरा से रिकॉर्डिंग करते हो या DSLR है वो तो आपके पास होगा ही, ठीक है, फ़ोन कैमरा या फिर DSLR। लेकिन आप मिनिमम तकरीबन 10,000 का फ़ोन यूज़ करिए जिसके अच्छे कैमरे हों, ओके। एंड फिर आपकी एडिटिंग काइंड मास्टर से, उसको भी करना है आपको। एंड जो ट्राइपॉड स्टैंड और माइक मैंने लिया, क्योंकि मैं बिगनर ही हूँ और मैं अभी सीख रहा हूँ, तो मैं ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था। ऑब्वियसली मार्केट में मैं जहाँ गया था वहाँ पे मुझे 1600 से 2000 के बीच में पूरा सेट, ट्राइपॉड स्टैंड, बोया का माइक एंड LED लाइट के साथ मुझे तकरीबन 2000 के अंदर में पड़ रहा था, ठीक है। मेरे पास बजट भी था, मैं इतना इन्वेस्ट भी कर सकता था, लेकिन सडनली मैंने सोचा इतना इन्वेस्ट करने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। मैंने यूबॉन का माइक मंगवाया जो कि मुझे 240 का पड़ा, और इससे जो रिकॉर्डिंग होती है वो बहुत सारा जो नॉइज़ है, जो डिस्टर्बिंग नॉइज़ जो आता है आपको ऑडियो रिकॉर्ड करते टाइम पे, बाहर का जो भी साउंड है, लाइक फ़ैन की साउंड एंड कोई भी खटपट हो रहा हो, तो इससे बहुत हद तक आपको ये जो माइक है इसको रिमूव कर देता है, ठीक है। अगर आप बिगनर्स हैं तो आपकी जो ऑडियो क्वालिटी है उससे ये बहुत अच्छे से इम्प्रूव होगी। कोई ज़रूरत नहीं है इसमें मतलब बहुत ज़्यादा आपको इन्वेस्ट करने का। हाँ, अगर आपके पास बजट है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप कम बजट में चलना चाह रहे हैं तो फिर ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। मैंने यूबॉन इसलिए चूज़ किया क्योंकि मैं कोई अदर ब्रांड की कंपनी जानता नहीं था जो कि सस्ते में मुझे इतना अच्छा प्रोडक्ट दे, और यूबॉन के मैंने ईयरफोन मैंने सुन रखे थे और काफ़ी बजट होते हैं और काफ़ी ज़्यादा चलते भी हैं। अगर आप इसको थोड़ा केयर करना पड़ेगा आपको, बेसिकली इसके साथ आपको हैंड बैग आता है, आपको उसी में प्रॉपर प्लेस करना होगा और काफ़ी केयर से इसको हैंडल करना होगा। अगर आपने थोड़ी भी इसमें से इधर लापरवाही की तो ये टूट जाएगा, ठीक है। इसके वायर निकल विकल गए तो फिर ये बनेंगे जल्दी नहीं। एंड नेक्स्ट है ट्राईपॉड स्टैंड। तो ये जो ट्राईपॉड स्टैंड आप देख रहे हैं ये भी मैंने फ़्लिपकार्ट से ही ऑर्डर किया। इसका प्राइस मुझे तकरीबन 340 रुपीज़ ऐसे पड़ा। और हाँ, एक चीज़, जो माइक है इसका, माइक का जो ऊपर वाला पार्ट है जहाँ से आप रिकॉर्डिंग करेंगे, एक तो जो आपका केबल है एंड जो दूसरा जो स्पीकर है जो ऊपर, उसको काफ़ी केयर से आपको हैंडल करना है, ठीक है, क्योंकि और वो टूटना नहीं चाहिए, उसको एकदम ध्यान से आपको देना है, उसको दे रखना है। मैं इसलिए बार बार बता रहा हूँ क्योंकि ये प्रोडक्ट में डिफ़ॉल्ट हो ही जाते हैं, ठीक है। माइक आपको केयरफुली रखना ही पड़ेगा, ठीक है। और ये थोड़ा क्योंकि यूबॉन का है, प्रोडक्ट अच्छा है नो डाउट, लेकिन आपको इसको केयर से रखना ही पड़ेगा, ठीक है, वरना आपको ये ख़राब हो जाएगा। नेक्स्ट है जो ट्राईपॉड स्टैंड, मैंने इसको फ्लिपकार्ट से ही परचेज़ किया है एंड ये भी कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, एल्यूमिनियम का है, ज़्यादा मजबूत तो नहीं है। अगर मैं इसको रेटिंग की बात करूँ तो मैं 5 में से 3 स्टार इसको दूंगा, लेकिन हाँ, इससे अगर आप कुश्ती नहीं लड़ते हैं, आप केवल इससे काम की चीज़ें, मतलब इसको वीडियो रिकॉर्ड करने टाइम ही इसको यूज़ करते हैं तो ये अच्छा चलता है। और ये तकरीबन आपका 6 महीना, साल भर या उससे ज़्यादा, डिपेंड अपन यू, ये अच्छे से चलेगा। इसका ये देखिए, यहाँ से इसको खुलता है, मैं इसको बता दूँ थोड़ा सा, वैसे आप इसको देख भी सकते हैं, यहाँ से इसको
ओपन करना है, ये तीनों नॉब है और ये काफ़ी अच्छी हाइट की, मतलब अच्छा ठीक ठाक हाइट का है। इसको खोलने के बाद आप प्रॉपर रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर थोड़ी बहुत आपको यू नो हाइट एडजस्टमेंट में दिक्कत होगी तो आप इसको किसी टेबल पे या स्टूल पे रख के हाइट एडजस्ट कर से अपने पैरेलल बना के आप वाइट बोर्ड वाली वीडियो जो होती है वाइट बोर्ड पे रख के पढ़ाते हैं वो कर सकते हैं। और ये देखिए तकरीबन ये इतना लंबा पूरा खुल गया अगर इसको मैं खोल दूँ तो, और यहाँ पे आपका होल्डर लगेगा। होल्डर इसके साथ ही मुझे मिला है और होल्डर को भी काफ़ी केयर से आपको यूज़ करना है। और इसके इसमें जो छोटे छोटे स्क्रू लगे रहते हैं इसको भी आपको बहुत ही ध्यान से यूज़ करना है, क्योंकि ये इतने छोटे हैं, अगर ये गुम गए तो फिर मिलना मुश्किल है। और अगर एक भी स्क्रू इधर उधर हुआ, कांटी इधर उधर हुआ इसके अंदर जो है, तो फिर पूरा का पूरा ख़राब हो सकता है। सो ये था मेरा वीडियो ट्राइपॉड स्टैंड और माइक। हो सके तो आपके पास अगर एलईडी लाइट हो तो भी अच्छी बात है, थोड़ी लाइट आपका इन्हेंस हो जाएगा। और नहीं तो अगर आपके पास कोई भी एमरजेंसी लाइट हो, ओके, चार्जेबल लाइट जो आते हैं छोटा सा भी हो, तो आप उसके साथ रह के सेट करके जुगाड़ सिस्टम बना सकते हैं, बिकॉज हम इंडियंस के पास हर चीज़ का जुगाड़ है, ठीक है। एंड देन जब आपका वीडियो, जब आपका यूट्यूब ज़्यादा चल जाएगा तो फिर आप नया ले लीजिएगा। सो ये था वीडियो, होप यू लाइक द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।